नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। उन्नाव शहर के आवास विकास कॉलोनी स्थित कार्यालय में शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष सूर्यवर्धी की अध्यक्षता में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अहम बिंदु आगामी उपचुनाव को लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में प्रमुख रूप से विधानसभा उपाध्यक्ष क्या नाम है सचिव साहब आपका? जी सचिव नहीं हूँ, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, इम्तियाजुल्ला। आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है? हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक साफ उद्देश्य है कि मुसलमान और दलित एक प्लेटफॉर्म पर आकर जिनको भारतीय लोकतंत्र में दबाया जा रहा है उनको जमहूरी तौर से लोकतंत्र में मजबूती दिलाई जाए। और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, जब आप किसी चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो तमाम लोग जिनको जमहूरी तौर से कमज़ोर किया गया है वो आएँ और जमहूरियत में हिस्सा ज़रूर लें। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि आने वाले कोई भी इलेक्शन में अगर संगठन मजबूत होता है तो वहाँ हम इलेक्शन ज़रूर लेंगे। तो बैरिस्टर साहब का आदेश है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन जो 8-7 सीटों पे होने जा रहे हैं जिसमें बांगरमऊ भी हमारा आता है, उसमें अगर प्रत्याशी मजबूत हमको मिलता है तो वो इलेक्शन हम लोग ज़रूर लड़ेंगे। और आने वाले दिनों में जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो प्रधानी हो या जनरल इलेक्शन हो, उसमें हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो लाइक माइंडेड पार्टियाँ हैं जो हमारे साथ आकर काम करना चाहती हैं ज़रूर आएँ, लोकतंत्र को मजबूत करें। किन किन ज़िलों से आपकी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं? अभी फिलहाल एक आध जिलों का नाम तय हो गया जिसमें से बुलंदशहर भी आता है और बाकी 2-4-5 जो सीटें हैं उन पर भी जल्दी नाम इंशाल्लाह दे दिए जाएंगे। ताकि हम चाहते हैं कि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट हों ताकि उन सीटों को मजबूती से लड़ा जा सके। जिला उपाध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? किस बेस पे मीटिंग यहाँ हो रही है, क्या उद्देश्य है आप लोगों का आज की जो मीटिंग का उद्देश्य है? जो बाई इलेक्शन हो रहा है उन्नाव में बांगरमऊ में, उस सीट को जो लेकर हाथमंथन होगा कितने को क्या इलेक्शन लड़ना है क्या है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटें हैं जिसमें बाई इलेक्शन होना है तो उसमें 7 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक सीट बांगरमऊ की आती है, हमारे उन्नाव विधानसभा में, उन्नाव में बांगरमऊ विधानसभा आती है, जिससे जो है इलेक्शन होना है। और जो ऊपर से आदेश है हाईकमान का, उसके लिए जो हम लोग कैंडिडेट मिल रहे हैं तो कई कैंडिडेट के बात हमारी हो चुकी है जिनके नाम हम लोग हाईकमान में दे चुके हैं और कई इसमें बातें भी हमारी चल रही हैं। इसी सिलसिले में आज ये मीटिंग बनाई गई है और इसी सिलसिले की आज बात हो रही है, इसीलिए आपको भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। AIMIM बांगरमऊ से किस प्रत्याशी को आपकी पार्टी उतारना चाह रही है? जी हमारी पार्टी के पास तो कई कैंडिडेट इस टाइम है, लेकिन अब ये नाम तो अभी मीडिया में खुलासा नहीं किया जा सकता है कि हम किसको टिकट फाइनल होगा। ये सारे नाम हम लोगों ने हाईकमान को कुछ नाम भेज दिए हैं और कुछ 2-4 दिन में भेज देंगे। और ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत जी हैं, शौकत अली साहब, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो इसको फाइनल करेंगे और तब हम लोग इसका खुलासा आप मीडिया में करेंगे।